हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 14 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या 39,481 है और इसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी और कब तक आप आवेदन कर पाएंगे, लेट फीस के साथ आवेदन होगा या नहीं होगा और परीक्षा जो होगी वो कौन से मंथ में कराई जाएगी और यह जॉब का जो नेचर है, मोड है, वो किस तरीके का है, तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप हम बता दें आपको कि यह अर्धसैनिक बलों में यह वैकेंसी निकली है जो प्योर गवर्नमेंट जॉब है और सिपाही के अर्धसैनिक बलों में 39,481 पद निकले हैं, जिसकी भर्ती के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं, यानी आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू है। अब आप 14 अक्टूबर तक इसका आवेदन कर सकेंगे। अर्धसैनिक बलों में सिपाही की 39,481 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर भर्ती का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। 18 से 23 वर्ष तक, यानी कि जो आपकी एज होगी, यहाँ पर आप अपना एज क्राइटेरिया देख लीजिए, 18 से 23 वर्ष तक, अगर आप 18 से 23 वर्ष तक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आपका जो क्वालिफिकेशन होगी वो हाई स्कूल होगी। अगर आपने हाई स्कूल क्लियर कर रखा है, उत्तीर्ण है, तो आप आवेदन कर पाएंगे और 14 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकेंगे। इसकी ऑनलाइन परीक्षा जनवरी और फरवरी में कराई जाएगी। तो नेक्स्ट इसका जो हमारा पॉइंट था वो कि परीक्षा कब होगी। इसकी परीक्षा आपकी जनवरी या फरवरी में संभावित है 2025 में। पहले भी और अभी भी 13 भाषाओं में इसकी परीक्षा हुई थी और अभी भी होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में देश के कोने कोने से युवा आवेदन करते हैं, इसीलिए पिछली भर्ती में भी देश भर में 46,47,646 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कई युवाओं की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में होती है, इसलिए उनको हिंदी या अंग्रेजी में परीक्षा देने में असुविधा होती है। ऐसे में इसका प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में होगा और वे 13 भाषाएं कौन कौन सी होंगी, यानी पूरे देश के लिए यह जो युवाएं हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए जो अन्य जो 13 भाषाएं हैं वो है असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये हैं हिंदी अंग्रेजी के अलावा। इनमें आप अपना प्रश्न पत्र देख पाएंगे और अपनी भाषा होने के कारण अच्छे से समझ कर उसे हल कर पाएंगे और अभ्यर्थी को इसमें से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत BSF, CISF और CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF व NCB में चयन होगा। पिछले वर्ष 46,617 पदों के लिए भर्ती आई थी। इस बार पद थोड़े कम हैं, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण 14 को करा सकते हैं और 100 रुपये फीस इसकी होगी, यानी जो फीस है वो 100 रुपये रखी गई है और आप 15 अक्टूबर तक वह फीस जमा कर सकते हैं। अब सुरक्षा बलों में जो रिक्त पद हैं, अगर देखना चाहें, क्योंकि आपको ये ज़रूरी होगा कि किस पद में कितनी वैकेंसी दिखाई है, BSF में यहाँ पर दिखाई है 15,654 और यहाँ पर है CRSF में 7,145, CRPF में 11,541, SSB में 819, ITBP में 3,017 और असम राइफल में 1,248 और SSF में 35 और NCB में 22 वैकेंसी दिखाई हुई हैं, जिसमें भी अब आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन तो शुरू है ही, जैसे ही इसकी जो परीक्षा है उसकी डेट का डिक्लेरेशन होता है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।